14 जनवरी को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आ रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत और इजरायल के व्यापारिक रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों का असर भारत इजरायल संबंध पर भी पड़ा है। भारत और इजरायल के व्यापारिक रिश्ते ज्यादातर हीरों के व्यापार पर टिके हैं। भारत ने इजरायल के साथ 90 के दशक में व्यापारिक संबंध शुरू किए थे, क्योंकि उससे पहले भारत इजरायल के साथ ज्यादा रिश्ते नहीं रखता था। अमेरिका के साथ मजबूत होते भारतीय रिश्तों का असर अब सीधा भारत इजरायल मित्रता पर पड़ रहा है। लेकिन हाल ही में भारत ने राष्ट्रसंघ के उस प्रस्ताव का विरोध किया था जिसमें जेरूसलम को इजरायल की राजधानी करार दिया गया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की भारत यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को नया मोड़ दे सकती है। भारत इजरायल और अमेरिका के संबंध एक दूसरे के लिए काफी अलग हैं। 2016 में अमेरिका ने इजरायल को $3.1 बिलियन की सहायता राशि प्रदान की। ये राशि कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन और रूस को मिला दें तो भी पिछले 17 साल में विदेशी निवेश के तौर पर इतना पैसा उनके तरफ से भारत नहीं आया है। जितनी राशि सहायता के रूप में इजरायल को अमेरिका से मिल जाती है उससे कहीं कम इजरायल भारत को अपना उत्पाद बेचकर कमाता है। साल 2016 में इजरायल ने भारत में अपने उत्पाद निर्यात कर $195 करोड़ कमाया, यानी सहायता राशि से भी 38% कम। अगर अमेरिका में किए जाने वाले निर्यात के आंकड़े देखें तो इजरायल ने साल 2016 में अमेरिका को $2,000 करोड़ का निर्यात किया, यानी भारत के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा। जबकि जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और सिंगापुर को मिला दें तो भी इन देशों को निर्यात कर इजरायल $3.1 बिलियन नहीं कमा पाता है। भारत और इजरायल के बीच यूं तो व्यापार संबंध काफी पुराने हैं, पर इतने सालों के बाद भी दोनों देश अपने कुल व्यापार का सिर्फ लगभग 3% एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।